नमस्कार, बीसी न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 44,111 नए केस आए सामने, 738 मरीजों की हुई मौत। भारत बायोटेक ने जारी किए कोवैक्सीन के थर्ड फेज ट्रायल के रिजल्ट, डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावी होने का दावा। कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को दी चेतावनी, कहा क्लासेस से वंचित न रखे विद्यार्थियों को। जर्जर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई, अतिक्रमण दस्ते ने दी दबिश। अंततः उपलब्ध हुई कोविड शील्ड, आज 18 प्लस सहित सभी को मिलेगा टीका। भारत तक बड़ा लॉकडाउन, सिटी सहित पूरे जिले में लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस की गई जारी। 50 वर्ष बाद दीक्षांत समारोह में समारोह का आयोजन, राज्यपाल के हाथों डिग्री वितरण, विवी की तैयारी पूरी। कांग्रेस नेता नितिन राउत ने जिला परिषद सदस्यों से की अपील, कहा सत्ता कायम रखने के लिए एकजुट होकर लड़े। कलमना मार्केट में सड़कें बेहाल, बड़े गड्ढों में पलट रहे वाहन, शिकायत के बाद एपीएमसी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। अंतर्गत आत्महत्या के लिए उकसाए जाने का मामला आया सामने, 4 पर हुआ मामला दर्ज। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।